आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल 24 यूपी न्यूज, खबर सबसे तेज। मैनपुरी में पत्नी से विवाद होने पर पति ने मारी पत्नी को गोली। गंभीर हालत में पत्नी को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। कई दिनों से चल रहा था पति पत्नी में आपसी विवाद। मौके से पुलिस ने अभियुक्त को तमंचे सहित किया गिरफ्तार। अक्सर पति पत्नी के साथ करता था मारपीट। मारपीट की कई बार चौकी पर की गई थी शिकायत, पर पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्यवाही। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैनपुरी में पत्नी से विवाद होने पर पति ने मारी पत्नी को गोली। गंभीर हालत में पत्नी को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। क्या हुआ आपके साथ? किसने गोली मार दी? अरे आवाज मेरे की बात। अच्छा, कैसे क्या आपके बच्ची की गोली मारी गई, क्यों मारी गई है? अच्छा, ये शादी कब हुई थी? 22 जून। अच्छा, फिर ये सब बैंगलोर ले गई, बैंगलोर ले गई, वहां से उन्होंने देख दिया, अगले रात यहाँ से भेजा, वहाँ मतलब पहले लड़के को भेजा, उसके बाद लड़की को भेजा, उसके बाद यहाँ भी आ गए हैं बस। तब से ये उधम काटे हैं, मकान खाली कर सामा सट्टा सब बाहर फेंक दिया था। इसके बाद से पाँच को नरेंद्र सिंह माधवपुर विष्णु जी विनय कुमार मजे ब्रगडिया और अनंत कुमार हरिकेश पाँच लोग ठीक माधव। अच्छा, गोली मारी गई है, क्यों मारी गई आपके बहन के? गोली मारी इसलिए गई है क्योंकि ये लोग काफी समय से 3 लाख रुपए दहेज एक्स्ट्रा मांग कर रहे थे और कल शाम को हम लोग आए थे, इनके घर आए हुए थे, तो पूरी बात रफा दफा हो गई थी और वही ये पैसे की मांग कर रहे थे। अगर हम लोग पैसे नहीं दे रहे तो मकान खाली करवाने के लिए भी बोल रहे थे, घर खाली कर दो मेरा, और इस वजह से उन लोगों ने गोली मारी। अच्छा अच्छा, क्या क्या चीजों की मांगे करते थे ये भैया? ये अभी एक फ्रिज दी और 2 लाख रुपए दो और एक बाइक दो और ये सब खाने की, लोगों का ड्रामा पकड़ा हुआ था और एक भैंस दो, ये सब मांग रहे थे। अच्छा, ये शादी कब हुई थी? 21 जून हुई थी, 21 जून 2017 18। क्यों मारी गई, क्या है इसकी सूचना मिली थी? मुल्ला भटवाल में एक लड़के ने अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके पिता उसको जिला अस्पताल में लेकर आया। मौके पे आए, मौके पे महिला का ट्रीटमेंट कराया गया, उसका एक्सरे हो रहा है। घर वालों का कहना है कि उसके पति ने गोली मारी थी। गाँव जब उसकी FIR की जाएगी उसके बाद बताएंगे, विवेचना में जैसी भी FIR की जाएगी।